अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान तरीके से बनते हैं, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होते ही हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, लहसुन, लहसुन को हम ब्राउन होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे 1 मिनट। हमारे लहसुन ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून जीरा। फिर अब इसमें डालेंगे हम 1 स्पून चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ के बाउल में 1 बाउल पानी। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें जिस बाउल में पानी डाले थे उसी बाउल में मेजर करके 1 बाउल चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पानी पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा ये। अब हम इस मिक्सचर को बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ये ठंडा हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा भी ठंडा ना करें, थोड़ा गर्म रहा तो अच्छा है। अब हम इस मिक्सचर में ये ग्रेट किया हुआ आलू मिक्स करेंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को स्किन के साथ बॉईल करी थी, उसके बाद ठंडा होने के बाद स्किन को निकाल के मैंने ग्रेट करके लिया था। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती। अब हम इसको साफ हाथों से मिक्स करेंगे। आप इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर अब हमारा चावल के आटे का मिक्सचर और आलू सब मिक्स हो चुका है, अब हम इसको अच्छा सा डो बना लेंगे। एक स्पून ऑयल डाल के साफ हाथों से हम इसको अच्छा सा डो बना लेंगे। अब हमारा सॉफ्ट वाला डो रेडी हो चुका है। आप इस मिक्सचर को मिक्स करते वक्त अगर आपको चिपचिपा लगे तो 2 स्पून कॉर्नफ्लोर मिला लीजिए, अगर आपको ड्राई लगे तो आपके हिसाब से 2 या 3 स्पून पानी मिला के आप अच्छा सा स्मूथ वाला डो बना सकते हैं। अब हम इस डो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। डो को 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर चुकी हूँ। अब एक पार्ट को हम लेंगे
और हाथों में तेल लगा के इस तरीके से काउंटर पे हम रोल करेंगे। इस तरीके से रोल करते हुए थोड़ा सा हम इसको लंबा करके हम बाइट्स को कट करेंगे। इसी तरीके से पूरे डो को हम रोल बनाकर बाइट्स को कट करेंगे। तो देखिए डो के मैंने छोटे छोटे बाइट्स कट करके रख लिए हैं। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में 8 दिन तक भी रख सकते हैं, जब भी आपका खाने का जी करे निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम में रखें। गरम होने के बाद अब हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। हल्के हाथों से टर्न कर लीजिए, हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बनती है, बहुत मज़े के बनते हैं ये। अब हमारे बाइट्स जो हैं अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब मैं इसको पेपर टॉवल में निकाल लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। तो देखिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। आप इसको अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, बहुत इजी तरीके से बनते हैं ये। देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं ये। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आती रहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।